हरिओम हरिओम ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमाता एवमेव पश्यते। हरिओम हरिओम ओम भूर्भुवः श्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरिओम हरिओम हरिओम। आज की तारीख 16 सितंबर 2019 हम सभी झारखंड के पावन नदी के किनारे बैठे हुए इस प्राकृतिक संपदा के बीच में सबसे प्योर ऑक्सीजन का ग्रहण करते हुए परमात्मा से और यहाँ के जितने भी जल और जितने भी जंगल हैं उनसे अपने सांसों का जो हमारा जो सबसे पहले पुंज है मैं उन सांसों को अपने अंतरात्मा में लेते हुए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ निवेदन करता हूँ कि हम सभी इस बात को समझें इस बात को जानें कि यदि जीवन में शांति है और सुख है तो जीवन का स्वर्ग यही है। हर एक व्यक्ति का सबसे प्रमुख लक्ष्य यह होता है कि उसे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो परमानंद की प्राप्ति हो। चाहे वो जो भी दुनिया में काम कर रहा हो उसका सबसे अंतिम लक्ष्य होता है जिसको परमानंद की प्राप्ति करना सुख आनंद की प्राप्ति करना। चाहे वो अपने क्षेत्र में अपने कर्म में जिस जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं लेकिन काम की अंतिम लक्ष्य होती है परमानंद प्राप्ति करना। परंतु हम इस बात को समझें कि आनंद को प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, आखिर में हमें कौन सी ऐसी राह में चलनी चाहिए या किन किन गुणों से हम लोगों को युक्त होनी चाहिए जिसे हमें आनंद की प्राप्ति हो। तो वो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि यदि आपके चित्त शांत हो आपके मन शांत हो मन प्रशांत हो तभी वो लक्ष्य को प्राप्ति किया जा सकती है आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। परंतु उससे भी यह सबसे पहले उससे भी पहले बात यह है कि आनंद की प्राप्ति से पहले हमारे जीवन में अनुशासन हो। हम यदि अनुशासित ढंग से अपना जीवन यापन नहीं करें तो हम कभी भी अपने मन और अपने चित्त अपने शरीर और आसपास के चीज़ों को हम अच्छी तरह से ले नहीं पाएंगे उस कर नहीं पाएंगे। होता यह है कि जब कभी कोई व्यक्ति अपने दिन भर काम करते करते अपने दुखों से भोग भोगते अपने साथ घर पे आता है तो उसे सारी चीज़ों पर चिड़चिड़ापन महसूस होता है। और यह इसलिए होता है कि व्यक्ति किसी भी काम को जो भी काम जो भी दिया गया है उसे संतुष्ट ढंग से यानी एक किसी प्रकार के संतुष्ट जिसको कहते हैं तुष्टि संतुष्टि नहीं करता है संतुष्ट नहीं होता है। अपने कामों को वह बोझिल तरीके से देखता है। बोझिल कहने का अर्थ यह हुआ कि काम तो मिला है काम तो वह कर रहा है परंतु हर वक्त अपने कामों को वह कोसता रहता है कि काश यह मिल जाता काश वो मिल जाता वो यानी उसकी जो मन आत्मा जो होती है वो शांत ढंग से यानी जो भी काम कर रहा है उसमें शांत ढंग से नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति शांत दिमाग से किसी काम को नहीं करता है तो उसे शांति नहीं मिलती है प्रशांत नहीं मिल पाता है। तो और अगर शांति नहीं मिल पाती है तो जो हमारा आनंद है जो जीवन का लक्ष्य है उसे प्राप्त नहीं किया सकती है। आखिर में हम समझते हैं कि इस बात को लोग जानते हैं कि
अड़चनें बहुत तरह से आती हैं, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, और न तो नहीं भी अड़चन अगर आती है तो आस पड़ोस के लोग आपको, यदि आप शांत चित्त दिमाग के हो तो अड़चन पैदा करने के लिए भी वे लोग तैयार हो जाते हैं और न चाहते हुए अपने आप को झोंक देना पड़ता है। परंतु यदि आपकी आप अंदर शांत चित्त से हो, आपके दिमाग, आपके मन, आपके कर्म अगर शांत दिमाग से ले रहा है किसी चीज़ों को अपने हाथ, तो उसी ढंग से वो सुलझा लेता है। तो हमारा कहना है साथियों कि हम परमानंद की प्राप्ति करें और परम आनंद प्राप्त करने से पहले हम अपने तरह से जितने भी हैं अपने आप को शांत करें, और शांत करने से पहले है कि हम जितने भी तरह के हम जो भी काम किए, हम अपने पुराने चीज़ों को भूलकर हम अपने जितने भी पुराने चीज़ों में जो हमारा प्याला भरा हुआ है गंदगी का, उसको उलेड़कर उसको खाली करें, और खाली करने के बाद हम लोग सबसे पहले प्राकृतिक चारों ओर जो हम लोग देख पा रहे हैं चारों ओर, इस प्राकृतिक का हम लोग भरपूर फायदा ले, और यहाँ तक हो सके प्राकृतिक चीज़ों का हमेशा उपभोग करें, उसका भोग करें। वो प्राकृतिक चीज़ ही हमें सब कुछ कर सकती है। आप कह सकते हैं कि आप प्राकृतिक मिलता क्या नहीं, क्यों नहीं मिलता है? प्राकृतिक संपदाएं आज से नहीं, हजारों हजारों साल से जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, प्राकृतिक हमको एक भगवान ने, परमेश्वर ने सब कुछ प्रचुर मात्रा में दिया है। लोग क्या हैं, बहानेबाज बहुत ज़्यादा हैं। अब काम तो करना कुछ होता नहीं है, सीधा सीधे आरोप लगा देते हैं कि हमको कुछ नहीं मिला, सारा कुछ प्रदूषण ही प्रदूषण। प्रदूषण है, लेकिन प्रदूषण के उसका भी निवारण का एक उपाय है। यदि हम लोग इस चीज़ों को समझें और शांतिप्रिय ढंग से यदि हम लोग अगर इसका जो प्रदूषण फैला रहे हैं लोग हैं, कुछ एक लोग हैं, यदि उनको हम लोग असहयोग तरीके से काम करते हैं, अहिंसात्मक ढंग से अपने आप से उस पर प्रतिरोध करते हैं, उसका प्रतिकार करते हैं, तो वास्तव में एक दिन ज़रूर वैसा आएगा, हम सब उसका विरोध करके उस व्यक्ति के द्वारा जो व्यक्ति इस तरह का मैंने पूरे प्राकृतिक में चारों ओर जो प्रदूषण को फैलाया जा रहा है उससे भी हम लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आज का दिन मैं इतना ही, मैं फिर कल मिलूँगा आपके एक नए विचार के साथ।